अगर अपना मोबाइल कैमरा यूज करेंगे तो इट्स कॉस्ट 50 रुपीज। तो कोई भी एक मोबाइल कैमरा अंदर में ले लो। दिस इज द जैन मंदिर। इसके बाद आपको एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। बेस्ट भैया, राजा राजपूत था, रानी भी राजपूत थी। जैन मंदिर आने का कारण क्या था? वो था पैसा, डोनेशन। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जैसलमेर में पैसे वाला हुआ तो वो ये जैन लोग। क्योंकि जैसलमेर इज द बिगेस्ट सिल्क रूट एशिया। क्योंकि यहाँ पहले मंदिर यहाँ नहीं बनाए, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर गांव है लुटरबा, जो हमारी राजधानी है। दिस इज ऑल जैन मंदिर। हाउ ब्यूटीफुल डिजाइन और आर्किटेक्चर्स आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट ब्यूटीफुल वर्क। We are not appreciate them, but yes, they deserve more. So much. God, this is so beautiful. So beautiful. The oldest hotel on the fort, first hotel in Jaisalmer. एक चीज और नोट करें, आप लोग पूरा शहर घूम लें, कोई भी घर देखेंगे, हर घर के आगे गणेश जी का पेंट, नाम तारीख सब मिलेगा। तो जब शादी ब्याह होता था तो ही डोंट हैव इनविटेशन कार्ड टू इनवाइट टू पीपल, तो ये आते जाते। आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाई, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड गोल्डन जैसलमेर। द जैसलमेर इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन सिटी। अखियो बलाले झूले लाल ने लाल मोरी। पटवा हवेली, पटवा जो लोग काम करते थे सोना चांदी बुनाई का, उनको राजा महाराजा ने टाइटल्स दिया था पटवाई का। और हवेली का मतलब हुआ दो मीनिंग, हवा मीन्स विंडो, ली मीन्स मेंशन। इसको बनाया था गुमान मल बाफना ने, जो जैन लोग थे जिनके पांच बेटे थे, पांचों बेटों के लिए अलग अलग हवेली। पेंटिंग किया हुआ है, जो फ्लावर देख रहे हैं साहब, उसे एलिफेंट लाइब्रेरी है। अच्छा जी, यहाँ लगाते थे वो लोग दिया, जो भी काली होती थी काजल के लिए यूज करते थे भैया। और पुराने जमाने में जेंट्स लोग सब बाहर जाते थे, तो पीछे लेडीज लोग रहती थी साहब, तो बिजनेस के लिए जो भी आता था वो ऊपर जावे। तो ये पार्ट ओल्ड जनरेशन, सेकेंड पार्ट वीआईपी, थर्ड पार्ट यंग जनरेशन के। जैसलमेर हमारा बड़े में जाना, पहला है हमारा सैंडस्टोन जो दही जमाने के काम होता है। इसमें क्या है, जैसे आप लोग घर पर दही जमाते हैं ना दीदी, वैसे ही आपको दही जमाना होता है। जो दही का पानी होता है एक्स्ट्रा वाटर, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप स्टील के बर्तन में जमाते हैं उसमें क्या है, थोड़ा पानी पानी हो जाता है, इसमें पानी पानी नहीं होगा, एकदम ठीक गाढ़ा दही रहता है, इसलिए फेमस है दही जमा। और एक ये रहता है, इसमें आपको रात को पानी भर के रखना होता है और सुबह को खाली पेट खाना खाने से पहले पीना पड़ता है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं। और एक आता है सी फॉक्स स्टोन, यहाँ पे काफ़ी साल पहले समुद्री एरिया हुआ करता था, उसके सूख जाने के बाद ये नेचुरली फॉसिल बन गया। ये जब वैज्ञानिकों ने यूज किया तब ये ग्लास मेडिसिन गया था। इसमें रात को पानी भर के रखना होता है और सुबह को खाली पेट पीना पड़ता है खाना खाने से पहले, तो जैसे डायबिटीज, बीपी, आस्थमा, थायराइड, पाइस, कोई भी शिकायत होने तब हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, जिसको हो जाता है उसके लिए। और ये रहता है वास्तु के हिसाब से, इसको घर में, मंदिर में, ऑफिस में, गाड़ी में कहीं रख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमारे तीन प्रकार के स्टोन। सो अभी हम आए हैं इस होटल में खाना खाने।